फर्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर। गाइस हम हमारे डेली लाइफ में ऐसे ही सेंटेंसेस का यूज करते हैं जहां पर हम कहते हैं कि उसने अभी बताया ही कहाँ है, उसने अभी देखा ही कहाँ है, मैं अभी गया ही कहाँ हूँ। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए हमको पहले इसकी सेंस को समझना पड़ेगा, यानी इसके मीनिंग को समझना पड़ेगा। इन सभी वाक्यों का मीनिंग यही होता है ना, अगर कोई काम अभी तक भी नहीं हुआ है, यानी पास्ट से लेके प्रेजेंट तक नहीं हुआ है। सो इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए आपको स्ट्रक्चर फॉलो करनी पड़ेगी प्रेजेंट परफेक्ट की, यानी आपके स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाएगी, सब्जेक्ट, इसके बाद हैव या फिर हैज, इसके बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में येट। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। उसने अभी बताया ही कहाँ है, ही हैज़ नॉट टोल्ड येट, He has not told yet. उसने अभी देखा ही कहाँ है, He has not seen yet. He has not seen yet. मैं अभी गया ही कहाँ हूँ, I have not gone yet. I have not gone yet. Second advanced structure. इसमें क्या कमी है, उसमें क्या कमी थी, मुझमें क्या कमी है। गाइस इस प्रकार के छोटे छोटे हिंदी वाक्यों को हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करनी पड़ेगी। पहले आपको यूज करना पड़ेगा व्हाट इज या फिर वाज, प्रेजेंट के लिए आप यूज करोगे इज और पास्ट के लिए वाज। इसके बाद आपको यूज कर देनी है लैकिंग इन, लैकिंग इन के बाद आपको यूज कर देनी है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस जैसे कि मी, हिम, हर, यू, ये सब। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मुझ में क्या कमी है, व्हाट इज लैकिंग इन मी, व्हाट इज लैकिंग इन मी। मुझ में क्या कमी थी, व्हाट वाज लैकिंग इन मी, व्हाट वाज लैकिंग इन मी। ये सेंटेंस पास्ट में था इसलिए हमने यूज कर दिया वाज। तुझ में क्या कमी थी, What was lacking in you? What was lacking in you? उसमें क्या कमी है? What is lacking in him? What is lacking in him? Him के बदले में आप हर भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या कमी है? What is lacking in it? What is lacking in it?